गुड मॉर्निंग एवरीवन कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो कंपलसरी जो फैक्टर है वो आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता बिना इंश्योरेबल इंटरेस्ट के जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो अन फोर्सेबल माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ तो ये नेसेसरी है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो एट द द टाइम टाइम ऑफ ऑफ एंटरिंग एन फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज एज वेल एट क्लेम जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है फायर इंश्योरेंस के केस में प्रेजेंट दोनों टाइम पर होना चाहिए जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तब भी और जब आप इंश्योरेंस को क्लेम कर रहे हैं तब भी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट हम कब कहेंगे कि एक पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है हम तब कहेंगे एक पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जब जिस चीज के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसका लॉस होने से उस पर्सन को कुछ ना कुछ डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस हो तब हम कहेंगे कि उस पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इसीलिए केस ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नॉट ओनली दी ऑनर बट जो दूसरा पर्सन है उसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है कैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिटर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन दी प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स एक एजेंट का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन हिज प्रिंसिपल गुड्स एक ट्रस्टी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन दी प्रॉपर्टी अंडर हिज ट्रस्ट ट्रस्टीशिप एक बेली का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन दी गुड्स बेल्ड टू हेम एक प्लेजी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स प्लेस्ट एक स्पाउस का जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन अदर्स क्या हैं के? कि वो सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है गुड्स प्रॉपर्टी राइट लेम एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है देन जो इंश्योर्ड है उसे इफेक्ट होना चाहिए ड्यू टू लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर तीसरा रिलेशनशिप होना चाहिए इंश्योर्ड और सब्जेक्ट मैटर के बीच में और वो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होना चाहिए एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि सपोज आपका खुद का हाउस है या शॉप है अगर वो डैमेज हुई है फायर से तो वेदर यू हैव टू रीबिल्ड योर हाउस और सेल इट एट रेड्यूसड प्राइस कोई भी चीज आप करे दोनों केसेस में आपको फाइनेंशियल लॉस होगा और योर लाइफ विल बी इफेक्टेड बाय दी लॉस तो इसीलिए आप जो है एलिजिबल हैं कि आप क्लेम कर सकते हैं मनी इंश्योर से लेकिन अगर आपने इंश्योर करवाया है अपने फ्रेंड का हाउस और वो हाउस डैमेज हो जाता है फायर से तो आप एलिजिबल नहीं है क्लेम करने के लिए अगेंस्ट दी लॉस क्योंकि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस सफर नहीं हुआ है क्योंकि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता था तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट है बिना इंश्योरेबल इंटरेस्ट के उसे वॉइड माना जाता है और अंडर लॉ आप उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो बेस्ड है ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये जो प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ का ये अप्लाई होता है सभी टाइप्स के इंश्योरेंस तो में गुड अगर नहीं मेंटेन करती है पार्टी तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंडिंग नहीं होगा दूसरी पार्टी के ऊपर जब आप इंश्योरेंस लेते हैं फायर इंश्योरेंस लेते हैं तो जो इंश्योरर है वो सेलर है इंश्योरेंस का उसे आपकी प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है लेकिन आप जो इंश्योर्ड है आप जिसको जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसकी प्रॉपर्टी है उसको हर चीज पता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में तो ये ड्यूटी है इंश्योर्ड की, की वो जो है, वो करे और अपनी सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली डिस्क्लोज करे इंश्योर को सेम तरीके से जो इंश्योर है ये उसकी ड्यूटी है कि वो सभी प्रोज एंड कॉन्स जो है पॉलिसी के वो डिस्क्लोज करे इंश्योर को और जो इंश्योर है उसे प्रॉपर्टी को एग्जामिन वो कर सकता है बिफोर कवरिंग दी रिस्क लेकिन कई बार स्टिल ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो एग्जामिन आप करके नहीं आपको पता चलते तो उस केस में जो प्रपोजर है मतलब जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको वो चीज बतानी पड़ेगी एसेंशियल्स क्या है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ के हर एक पार्टी जो है वो डिस्क्लोज करेगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रूली एक दूसरे को जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो लिमिटेड नहीं है टू ऑब्लिगेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो मांगी जाए कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन अगर छुपाई जाती है तो जो इंश्योरर है या जो इंश्योर्ड है उसके पास राइट right है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड रिगार्ड कर सकता है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि इंफॉर्मेशन को पूछा गया था या नहीं पूछा गया था तो जो फैक्ट्स हैं जिन्हें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है वो कौन कौन सी चीजें हैं फैक्ट्स ऑफ लॉ फैक्ट्स जहां पर रिस्क uh, जो है जो फैक्ट्स कम करते हैं फैक्ट्स ऑफ कॉमन लैंग्वेज फैक्ट्स जो रीजनेबली डिस्कवर्ड किए जा सकते हैं फैक्ट्स जो कवर्ड हैं पॉलिसी कंडीशन से फैक्स जो इंश्योरर का जो रिप्रेजेंटेटिव है फेल होता है नोटिस करने में देन नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल uh, है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमा या प्रॉक्सीमेट एप्लीकेबल होता है इनकेस ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो डैमेज आपको प्रॉपर्टी का uh, हुआ ड्यू टू फायर उसका कॉज क्या था ये क्वेश्चन Arise होता है जो इंश्योरर जानना चाहता है जब वो ये डिसाइड करता है कि आपका क्लेम बनता है या नहीं बनता है Proximate का मतलब है नियरेस्ट नहीं मानेंगे हम नियरेस्ट टू दी रिस्क इंश्योर्ड एक जो इंश्योरर है वो लाइबल है क्लेम पे करने के लिए अगर जो लॉस है वो प्रोक्सीमेटली कॉस्ट बाई एनी ऑफ द रिस्क इंश्योर है जिसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस लिया है तो एस पर दिस प्रिंसिपल जो लॉस अक्टर हुआ है अगर ड्यू टू नंबर ऑफ कॉजिस तो ऑन बेसिस ऑफ़ दियरेस्ट कॉज ये डिटरमाइन किया जाएगा कि जो इंश्योर है वो लाइबल है क्लेम को पे करने के लिए या नहीं है फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वर्सिट

उस एक्सप्लोजन की वजह से तीसरी बिल्डिंग में फायर लग गई और हवा चलने की वजह से तीसरी बिल्डिंग में जो फायर है वो पहुंच गई इंश्योर के वेयर हाउस में और जिसकी वजह से जो कॉटन थी वो जल गई तो ये कोर्ट में फैसला दिया गया कि जो इंश्योरर है वो लाइबल है पे करने के लिए क्यों क्योंकि जो लॉस है वो एक्सप्लोजन की वजह से नहीं हुआ है वो फायर की वजह से हुआ है तो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल 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 ऑफ 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 क्या कहता है है ये जो है, उसी का एक रूट ऑफ है ये क्या कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है तो उसमें जो इंश्योर्ड है उसे जब आपने सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे ला दिया जिसपे वो पहले था लॉस होने से पहले जहां पे एग्जिस्ट करता था जो ये बेसिक कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेम्निटी का यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ सप्रोगेशन आता है कि जब आपने उसे सेम पोजीशन पे ला दिया तो जो भी उससे रिलेटेड राइट्स हैं वो किसके पास आ गए इंश्योरर के पास आ गए सपोज एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि आपने कुछ इंश्योरेंस करवाया फायर की वजह से जो कंपनी है उसने आपको जो फायर इंश्योरेंस का क्लेम था वो दे दिया अब फायर सपोज किसी पर्सन की वजह से हुआ था अब जो इंश्योरेंस कंपनी ने जब आपको पे कर दिया है क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट right आ जाता है कि जिसकी वजह से फायर अकर हुआ है वो उस थर्ड पार्टी को क्लेम कर सकती है उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में जा सकती है उससे वो डैमेजेस रिकवर कर सकती है उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं सब्रोगेशन चार तरीके से अराइज हो सकता है पहला है टॉट टॉट को हम क्या कहते हैं कोई भी सिविल रॉन्ग हो रहा है जिसकी वजह से आ, किसी और को कोई लॉस हो रहा है कोई हार्म हो रहा है जिससे लीगल लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो इन केस ऑफ एक्ट जो इंश्योरर है उसके पास राइट right है कि वो रिकवर कर सकता है अमाउंट ऑफ इनडेटी जो उसने इंश्योर्ड को पे की है फ्रॉम थर्ड पार्टी नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट अगर जो इंश्योर्ड है उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू कॉम्पनसेशन है रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट तो जो इंश्योर है उसके पास राइट right आ जाता है इन प्लेस ऑफ इंश्योर देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस जो इंश्योर है उसके पास राइट ऑफ सब्रोगेशन है वो सेल कर सकता है जो भी प्रॉपर्टी को उसने इंडेमनिफाई किया है उसकी जो भी लेफ्ट uh, आउट है जो भी स्लावेज है उसको वो सेल कर सकता है उसके पास ये राइट right आ जाता है देन नेक्स्ट इज स्टेच्यू ऑफ लॉ अगर जो लॉ और कोई भी एक्ट कंट्री का अलाउ करता है कि डैमेजेस आपने पे करने हैं, गवर्नमेंट uh, ने पे करने हैं सर्टेन स्टांसेस में तो उस केस में जो इंश्योरर है जब उसने ऑलरेडी आपको इंडेमिफाई कर दिया है इंश्योर को तो जो इंश्योरर है उसके पास राइट right है कि वो गवर्नमेंट से वो डैमेजेस रिकवर कर सकता तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स जो अप्लाई होता है ऑन फायर इंश्योरेंस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच